तो दोस्तों हम क्या अल्टरनेटर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने लॉसेस के बारे में पढ़ा था कि एक अल्टरनेटर में कितने प्रकार की लॉसेस होती है, ठीक है। तो लॉसेस में हमने पढ़ा था कि आयरन लॉस होती है, ठीक है। क्या होते हैं आयरन लॉस, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉपर लॉस होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैकेनिकल लॉस के बारे में भी पढ़ रहे थे, ठीक है। NICAL मैकेनिकल लॉस, ठीक है, जिसे हम यांत्रिक क्षति भी कहते हैं, यांत्रिक क्षति कहते हैं, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। तो यांत्रिक क्षति हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो जो आयरन लॉस होता है उसमें क्या होता है कि हिस्टेरेसिस लॉस और जो एडी करंट लॉस होता है वो दोनों मिलके क्या आयरन लॉस हो जाता है, ठीक है। फिर मैकेनिकल लॉस में आपका क्या हो जाता है कि जो एयर घर्षण लॉस हो जाता है, ठीक है, एयर फ्रिक्शन लॉस, एयर एयर फ्रिक्शन लॉस आपका हो जाता है। उसके बाद बेयरिंग का जो फ्रिक्शन हो जाता है, उसके बाद कम्यूटेटर या स्लिपरिंग पर जो कार्बन ब्रश घर्षण करता है वो, ठीक है। तो सभी मिलके आपका क्या होता है कि मैकेनिकल लॉस यानी कि यांत्रिक क्षति की उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका होता है कौन कॉपर लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस जो है इसका मान जो है आपके दोनों जो वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग हो या आपका कहने का मतलब है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ये दोनों में आपका कॉपर लॉस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए फील्ड वाइंडिंग का जो कॉपर लॉस होता है ना, फील्ड वाइंडिंग का, ये याद रखिएगा कि जो फील्ड वाइंडिंग है, चूंकि फील्ड वाइंडिंग के पर हम क्या लोड नहीं जोड़ रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग पर हम लोड जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग पर हम लोड नहीं जोड़ रहे हैं, लोड कहाँ जुड़ता है आर्मेचर के वाइंडिंग पर, ठीक है। तो अगर लोड बढ़ेगा तो किसके कॉपर लॉस में बढ़ोतरी होगा, आर्मेचर वाले में, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर, ये फील्ड वाइंडिंग में आपका कॉपर लॉस उत्पन्न हो रहा है, मगर वो लोड पर निर्भर नहीं है क्योंकि उस पर लोड जोड़ा ही नहीं गया है। लोड हम लोग कहाँ जोड़े, आर्मेचर वाइंडिंग में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो अल्टरनेटर में होता है, जो फील्ड वाइंडिंग का कॉपर लॉस होता है वो नियत रहता है, यानी कि आपका लोड से उसको कोई मतलब नहीं, लोड बढ़े या घटे उसको फील्ड वाइंडिंग के आर्मे ये कॉपर लॉस को लोड पर मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको मतलब है, लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग के कॉपर लॉस का मान भी बढ़ेगा, यदि लोड घटता है तो आर्मेचर वाइंडिंग के कॉपर लॉस का मान घटेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है हम लोग को क्या पढ़ना था, दक्षता, जिसे हम इफिशियंसी कहते हैं, ठीक है, क्या पढ़ना है, दक्षता, इफिशियंसी, इफिशियंसी, तो ठीक है, इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है दक्षता। देखिए दक्षता कहने का मतलब है कि जो मान लीजिए कि जो हम मशीन को कुछ दे रहे हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है, जितना हम दे रहे हैं मशीन को, हम जितना इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और मशीन से हमें जो आउटपुट मिल रहा है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है, ठीक है। तो जो दक्षता है इसे हम ईटा से सूचित करते हैं, ठीक है, ये एन जैसा रहता है, स्मॉल एन जैसा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, ईटा कहते हैं, ठीक है, ईटा कहते हैं, ठीक है, ईटा से सूचित किया जाता है। और इफिशियंसी हमेशा क्या रहता है, आपका प्रतिशत में रहेगा, किस में रहेगा, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में, 1% 2%, ठीक है। तो देखिए जो अल्टरनेटर बोले ट्रांसफार्मर होता है उसका जो दक्षता होता है 98 समझिए कि 100% तक भी हो सकता है, अल्टरनेटर में 100% भी आपका दक्षता हो सकता है, क्यों, जब वो ठंडा रहेगा उसका वाइंडिंग जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा अगर, तो 100% भी उसकी इफिशियंसी हो सकती है, क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला मूविंग पार्ट नहीं है, मैकेनिकल लॉस नहीं होता है, ठीक है। मगर जो आपका अल्टरनेटर है इसमें मैकेनिकल लॉस भी होता है, ठीक है,
इसकी दक्षता जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो दक्षता किस पर निर्भर करेगा? आपका जितना कम से कम लॉस होगा, लॉस आपका जितना कम से कम होगा, ठीक है, लॉस जितना कम रहेगा उतना दक्षता ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इफिशियंसी को क्या करते हैं, ईटा से सूचित करते हैं और प्रतिशत में उसका मान निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट, ये प्रतिशत में रहता है। ठीक है, सीधा सीधा इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाता है आउटपुट बटा इनपुट, ये याद रखिएगा। देखिए और गुना 100 हो जाएगा चूंकि प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो आउटपुट बटा इनपुट जो है ये आपका किसी भी मशीन का, अगर आपको दक्षता निकालना है, कोई भी मशीन हो, ट्रांसफार्मर हो, अल्टरनेटर हो, मतलब कहने का मतलब अगर आपका भी इफिशियंसी निकालना है तो निकल सकता है, आप कितना काम किए और आप कितना खाना खाए। ठीक है, तो आपका इफिशियंसी निकल सकता है। तो अगर मान लीजिए कि 100 वाट आपने खाना खाया और 100 वाट का काम भी किया तो आपका इफिशियंसी 100% हो जाता है। अब इसी से जोड़ लीजिए कि कितना खाना खाए और कितना काम किए। ठीक है, तो आउटपुट बटा इनपुट गुने 100, ये जो आपका फॉर्मूला है किसी भी मशीन का, इससे हम क्या कर सकते हैं, दक्षता या एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाता है, अब देखिए आउटपुट तो ठीक है, आउटपुट हमें जो मिलता है, ठीक है, और इनपुट में अगर मान लीजिए हमें इनपुट नहीं पता है, हमें केवल आउटपुट और जो हमारा लॉस हो रहा है वो पता है। ठीक है, तो इसका ये भी फॉर्मूला हो सकता है कि आउटपुट प्लस लॉसेस, लॉसेस यानी कि जो हानि हो रहा है, और गुने 100 हो सकता है, ये हो सकता है ना कि आउटपुट और लॉस अगर आपको पता है, आउटपुट और लॉस, आउटपुट में अगर हम लॉस जोड़ देंगे तो इनपुट निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि आउटपुट जो मिल रहा है वो जितना इनपुट दिए उतना तो आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो कहाँ चला गया, तो लॉस हो गया, लॉस हो गया ना। ठीक है, तो आउटपुट और लॉस दोनों को जोड़ देंगे तो इनपुट हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि ये आपका ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है कि आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉस अगर हम जोड़ देते हैं तो ये इफिशियंसी का फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सभी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे इफिशियंसी का सूत्र क्या होगा, आउटपुट बटा इनपुट गुने 100 या आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, अब देखिए अब इसमें आपका क्या होगा कि लॉसेस में कौन कौन सा लॉस होगा। ठीक है, कि आपका दक्षता बराबर हो जाएगा आउटपुट और बटा में आउटपुट और प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस और प्लस आपका जो मैकेनिकल लॉस होता है, ये तीनों को जोड़ देंगे तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आउटपुट और प्लस कॉपर लॉस कर सकते हैं, प्लस स्ट्रे लॉस, ठीक है, स्ट्रे लॉस। कल हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि स्ट्रे लॉस मतलब आपका आयरन लॉस, आयरन प्लस जो मैकेनिकल लॉस हो जाता है, ठीक है, उन दोनों का योग जो है तो है स्ट्रे लॉस कहलाता है। ठीक है, यहाँ गुने 100 रहेगा। ठीक है, तो आउटपुट बटा आउटपुट प्लस कॉपर लॉस और प्लस स्ट्रे लॉस, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, स्थिर लॉस और ये परिवर्तित लॉस, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ये लिखा जा सकता है अस्थाई क्षति प्लस, मतलब कि अस्थाई क्षति लिखा जा सकता है, अस्थाई या प्लस ये वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब अस्थाई हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है हमारा कि कैसे भी करके हमें आउटपुट बटा इनपुट कर देना है। ठीक है, आउटपुट बटा इनपुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इफिशियंसी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको इफिशियंसी निकालना है, ठीक है, तो किलोवाट
में ही मतलब निकल, वाट में ही इफिशियंसी का मान जो होता है ना, वाट में ये आपका लिखा जाता है, परसेंटेज में निकलता है, मगर यहाँ जो आउटपुट और इनपुट होता है वो वाट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? वाट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि जो अल्टरनेटर का आपका पावर होता है केवीए में होता है, ठीक है। तो आउटपुट हमारा क्या होगा? केवीए इंटू कॉस फाई हम लिख सकते हैं, और बटा में इनपुट जो है वो भी क्या हो सकता है? केवीए इंटू कॉस फाई और फिर इंटू इनटू आपका जो लॉसेस है वो लॉसेस लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि आउटपुट के जगह पर अगर के भी ए में आउटपुट है तो कॉस फाई से गुना करना जरूरी हो जाता है, फिर यहाँ भी कॉस फाई आपका लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और यहाँ गुने 100 रहेगा, परसेंटेज में रहेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का अगर ये एक न्यूमेरिकल का भी हम लगभग अल्टरनेटर जब समाप्त हो जाएगा, एक पूरा एक घंटे का वीडियो जितना इसका न्यूमेरिकल होता है सब बना के और आपको मतलब कि बता देंगे, ठीक है। और फिर आप जितना फार्मूला है सबको याद करते चलिएगा, कोई मतलब फार्मूला तो उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। आपका कुछ कुछ जो ईएमएफ इक्वेशन वाला होता है, ठीक है, वो कुछ हार्ड रहता है, ठीक है, वो भी समझ जाइएगा, उस पर कुछ क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या होता है कि अब इफिशियंसी तो देख लिए, ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आ जाता है अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन। क्या हो जाता है? अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन, NISATION, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है तुल्यकालिक होता है। देखिए सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हुआ ना कि दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ना, ठीक है। इसके पहले हम लोग ट्रांसफार्मर में भी पढ़ चुके हैं कि जो दो ट्रांसफार्मर होता है इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एक ट्रांसफार्मर है और ये के ट्रांसफार्मर है, दोनों का क्या किया गया? पैरेलल में जोड़ा जाता था, ठीक है। तो वैसे ही दो, जैसे दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने की प्रक्रिया ट्रांसफार्मर सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है, ट्रांसफार्मर तुल्यकालिकता कहलाता है, वैसे ही दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ने की प्रक्रिया अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ता है? देखिए जैसे मान लीजिए कि जो ये मान लीजिए कि हम एक बड़ा अल्टरनेटर के जगह पर छोटा अल्टरनेटर दो दो प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमें मान लीजिए कि 1000 KVA का जरूरत है, 1000, ठीक है, तो इस 1000 KVA के एक अल्टरनेटर के स्थान पर हम क्या करेंगे, ठीक है, 1000 KVA के अल्टरनेटर के स्थान पर हम क्या करते हैं कि 500 KVA का दो अल्टरनेटर हम प्रयोग किए और इसको क्या करते हैं कि हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो पैरेलल में हम जोड़ के इसका जो प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये आपका पैरेलल में जोड़ जुट गया, ठीक है। तो जब पैरेलल में हम जोड़ के प्रयोग कर रहे हैं तो फायदा यहाँ पर ये होगा दोनों अल्टरनेटर से कि कभी कभी क्या होता है कि किसी अल्टरनेटर में मान लीजिए कि एक अल्टरनेटर में फॉल्ट हो रहा है, तो हमारे पास अगर 1000 KVA का एक अल्टरनेटर रहता तो टोटल सप्लाई बंद हो जाता, मगर अगर किसी एक अल्टरनेटर में कुछ फॉल्ट होता है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो दूसरा अल्टरनेटर हमारा चलते रहेगा, दूसरा अल्टरनेटर चलते रहेगा। तो कम से कम 1000 के स्थान पर 500 KVA तो हमारा मिल रहा है ना, मतलब 1000 जहाँ ज़रूरत था वहाँ 500 मिल रहा है, नहीं होने से तो मतलब जीरो से तो अच्छा है कि 500 मिल रहा है। 1000 का एक एक यूज करते तो अल्टरनेटर खराब तो सब बंद, टोटल अंधेरा, ठीक है, उससे अच्छा ये है, ठीक है, कि दो हम छोटा छोटा अल्टरनेटर क्या किए हैं कि प्रयोग किए हैं, तो एक अल्टरनेटर में अगर कुछ मेंटेनेंस करना है तो दूसरे से हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये बात हो जाता है
कि लोड शेयरिंग जो होता है ना, अब जैसे कि मान लीजिए कि एक अलग अलग हम सर्किट को जोड़ रहे हैं, तो जैसे कि एक अल्टरनेटर खराब होता है तो दूसरे अल्टरनेटर से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है कि ये सिंक्रो, ये दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ने का हमें फायदा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको शर्त ये होता है कि जो दो अल्टरनेटर जोड़ना है, ठीक है, ये जो दो अल्टरनेटर जोड़ना है दोनों का वोल्टेज समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस का मतलब हो जाता है फेज क्रम, ठीक है, वोल्टेज समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति भी समान होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो फेज कोण होता है, फेज एंगल जो होता है, ठीक है, वो भी समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी शर्त होता है कि ये जब सभी शर्त आपको पूरा हो जाता है तब जाके दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के लगभग चार प्रकार की आपका अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन मेथड होता है, ठीक है, जो हम लोग आगे देखेंगे कि दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ने से पहले चेक करने के लिए हम लोग अलग अलग विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे डार्क लैंप, ब्राइट लैंप, डार्क एंड ब्राइट लैंप, उसके बाद एक सिंक्रोनोस्कोप मशीन होता है, उसकी सहायता से सभी स्थितियों को चेक किया जाता है। जब सभी स्थितियां दोनों अल्टरनेटर की बराबर हो जाती है तब जाके दोनों अल्टरनेटर को क्या किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है, यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या किया जाता है कि सिंक्रोस्कोप, ये तो सिंक्रोस्कोप मेथड है, ठीक है, वो बाद की बातें हैं। जैसे क्या कर किया है आपका कि जैसे दो अल्टरनेटर को हमें क्या करना है कि पैरेलल में यदि जोड़ना है दो अल्टरनेटर को, ठीक है, तो देखिए क्या किया जाता है कि जैसे हमें क्या करना है कि दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोनों अल्टरनेटर को जोड़ने के लिए एक बस बार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपका बस बार है, ठीक है। बस बार में आर, वाई और बी, ठीक है, थ्री फेज आपका हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है कि ये दो अल्टरनेटर है, ठीक है, दो अल्टरनेटर है, ये आपका ऐसा सिंबल रहेगा, ठीक है, जी से जनरेटर हो गया और ये एसी का सिंबल हो गया, ठीक है, थ्री फेज का है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आपका अल्टरनेटर है पहला वाला, एक फेज, दो फेज और ये तीन फेज, ठीक है, फिर ये हो गया एक, दो और ये तीन फेज हो गया, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि ये दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, स्विच लगा देते हैं। जिस स्विच को हम लोग लगाते हैं वो ICTP स्विच कहलाता है, क्या कहलाता है, ICTP, एक स्विच होता है ICTP, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच, आयरन क्लेड मतलब आयरन का पत्ती का रहता है, ट्रिपल मतलब थ्री फेज के लिए, ठीक है, अगर यही डी रहता था डबल पोल और टी है तो ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब होगा RYB, ठीक है, थ्री फेज। तो वो आपका कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है, ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये रहेगा और ये रहेगा, ठीक है, ये हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, उसके बाद आपका ये जो है यहाँ पर जुट जाएगा और ये जो है यहाँ पर जुट गया, ठीक है। अब देखिए जो पहले से, जैसे कि ये हम जनरेटर क्या है कि ऑन कर, ये जनरेटर चालू हो गया और यहाँ से ये अगर हम ऑन कर दे रहे हैं इस स्विच को, ये जो स्विच है ICTP स्विच, ICTP स्विच जो है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच इसको बोला जाता है, ठीक है, तो ये अगर इसका सप्लाई जो है जैसे ही हम चालू कर देंगे तो ये RYB, ये जो बस बार है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इस अल्टरनेटर का सप्लाई आ गया, अभी ये जुटा हुआ नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो ये जो पहले से जो अल्टरनेटर चल रहा है ये रनिंग अल्टरनेटर कहलाता है,
ठीक है, क्या कहलाता है, रनिंग जनरेटर या रनिंग मशीन या रनिंग अल्टरनेटर कह सकते हैं। ठीक है, रनिंग मशीन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो चल रहा है, अब इसके पैरेलल में हमें क्या करना है, इस अल्टरनेटर को जोड़ देना है। ठीक है, तो जब हम इस अल्टरनेटर को इसके पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये जो अल्टरनेटर है ये कहलाता है इनकमिंग मशीन, इनकमिंग मशीन। ठीक है, कि सबसे पहले ये समझिए कि देखिए दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रो SATION, सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है तुल्यकालिकता, क्या हो जाता है, तुल्यकालिकता। ठीक है, तो दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन, तुल्यकालिकता कहलाता है। ठीक है, जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो पहले से मशीन चल रही है वो रनिंग मशीन कहलाता है, और जो दूसरा मशीन इसके पैरेलल में हम जोड़ रहे हैं ये इनकमिंग मशीन कहलाता है। क्या कहलाता है, इनकमिंग मशीन कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए अब इसमें क्या किया जाता है कि इसको भी सेम टू सेम हम क्या करेंगे कि ये जैसे कि है ना, तो ICTP स्विच से हम लोग जोड़ देंगे, मगर स्विच को ऑन नहीं करेंगे। स्विच को ऑन हम कब करेंगे, जब हमें ये कन्फर्म हो जाए कि दोनों अल्टरनेटर का वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल और जो फेज क्रम है RYB, ये सभी क्या है, समान है, मतलब कि जो बराबर है। ठीक है, तब जाके जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ हमारा सब सही है, तब जाके हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। किसको, स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि यहाँ से स्विच को, यहाँ स्विच अभी हमारा ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, ये स्विच हमारा क्या रहेगा, अभी ऑफ रहेगा, इसको ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा स्विच है, ICTP स्विच है, और ये इनकमिंग मशीन हो जाता है। कौन सा मशीन है, इनकमिंग मशीन। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे कि दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ने की प्रक्रिया सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, सबसे पहला आपका वोल्टेज बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हो जाता है फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस का मतलब हो जाता है कि जैसे दो अल्टरनेटर है ना, तो इसका RYB और इसका RYB, आर फेज, इस अल्टरनेटर का आर फेज दूसरे अल्टरनेटर के आर से ही जुटना चाहिए, इस अल्टरनेटर का वाई फेज उस दूसरे अल्टरनेटर के वाई से ही जुटना चाहिए, और इस अल्टरनेटर का बी फेज दूसरे अल्टरनेटर के बी फेज से ही जुटना चाहिए। ठीक है, फेज सीक्वेंस का मतलब होता है कलाक्रम या अनुक्रम। ठीक है, तो आर आर से जुटना चाहिए, वाई वाई से जुटना चाहिए और बी बी से जुटना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेज सीक्वेंस, फेज क्रम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जरूरी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फिर दोनों का जो फेज एंगल है, ठीक है, वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सा लिख लीजिएगा, वोल्टेज, फेज सीक्वेंस यानी कि कला अनुक्रम, और फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल। ठीक है, फेज एंगल सभी जब बराबर हो जाएगा तब जाके ये जो इनकमिंग मशीन का ICTP है, इनकमिंग मशीन का, रनिंग मशीन का तो ऑन है पहले से ही, रनिंग मशीन का जो स्विच है वो ऑन है। ठीक है, रनिंग मशीन का जो स्विच है हमारा क्या है, ये क्या है, सॉरी, ये ऑन है। ठीक है, ये ऑन है, ये जो हमारा ICTP स्विच है रनिंग मशीन का, ये क्या है, ऑन है, और जो इनकमिंग मशीन का है वो आपका ऑफ रहेगा। तब तक ऑफ रहेगा जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता है कि इसका जो भी, मतलब कि क्या कहते हैं कि स्थिति है, फेज अनुक्रम, मतलब फेज सीक्वेंस, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल सब बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, जब सभी स्थिति बराबर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इनकमिंग मशीन का स्विच जो है उसको ऑन कर देंगे, तब यहाँ पर जो हमें सप्लाई मिलेगा दोनों अल्टरनेटर का
सिंक्रोनाइजेशन वाला सप्लाई मिलेगा, यानी कि पावर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कि दोनों अल्टरनेटर क्या है किस मतलब पैरेलल में जुट गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर इसके अगले वाले जस्ट वीडियो में हम अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन का जो अलग अलग विधि होता है, ठीक है, जो अलग अलग आपका मेथड हो जाता है, विधि हो जाता है, उसमें सब अगर आपके पास बुक होगा तो पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक हो जाता है डार्क लैम्प। डार्क लैम्प मतलब कि जो डार्क लैम्प का मतलब हो गया कि बल्ब बुझा हुआ रहना चाहिए, ठीक है, बल्ब जल नहीं रहा है। एक आपका हो जाता है ब्राइट लैम्प, ब्राइट लैम्प मेथड। तीसरा आपका हो जाता है ये क्या बोलते हैं, डार्क एंड ब्राइट, कि एक बल्ब मतलब दो बल्ब जलेगा, एक जल बल्ब बुझा रहेगा। ठीक है, क्या हो जाता है, डार्क एंड ब्राइट, ये तीन को मेथड हुआ। अब दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, एक और मेथड हो जाता है सिंक्रोस्कोप, सिंक्रोनोस्कोप उसको बोला जाता है। ठीक है, कि वो एक प्रकार का क्या रहता है ना, कि ये मशीन रहता है। ठीक है, इसमें आपका क्या रहता है कि दो वाइंडिंग रहती है, ठीक है, दो वाइंडिंग रहता है, फिर उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, जब भी मेथड इसका पढ़ेंगे, ठीक है, तो बता देंगे। सिंक्रोस्कोप एक आपका उपकरण रहता है, ठीक है, सिंक्रोनोस्कोप उसको बोला जाता है, सिंक्रोनोस्कोप, SCOPE। ठीक है, तो ये चारों मेथड जो है इसके, इसका एक अलग से हम वीडियो अभी मतलब शाम तक आज डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम ये भी ये हम मतलब सोच सकते हैं आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने जो भी दोस्त हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनको शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।